खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक भक्त ऐसा भी है जिसने इवेंट कंपनी के ऑर्डर पर एक भव्य अयोध्या मंदिर बनाकर तैयार कर दिया। आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे। दरअसल शलिन गुप्ता एक व्यापारी के साथ कारीगर है और कानपुर के संघ कार्यालय जोही पुल के पास के निवासी है। एक कंपनी के ऑर्डर पर उन्होंने कार्डबोर्ड और लकड़ी से अयोध्या के प्रारूप का एक ऐसा मंदिर तैयार किया जिसको देखकर सभी हैरान हो गए। मंदिर बनाने के बाद ये संघ कार्यालय में रखा गया। जिसकी नजर इस मंदिर में पड़ी, उन्होंने शलिन गुप्ता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके हाथ में साक्षात माँ सरस्वती की कृपा है। शलिन गुप्ता ने बताया कि इस मंदिर को तैयार करने में उनको एक हफ्ते का समय लगा और 80,000 के ऑर्डर पर तैयार करके दिया गया, जिनको बनाने में उनकी दोनों बेटियां और एक बेटे का भरपूर सहयोग रहा। शलिन ने ये भी बताया कि उनको खुद नहीं विश्वास हो रहा कि उन्होंने कैसा मंदिर तैयार करके दिया जो अयोध्या मंदिर का बिल्कुल प्रारूप है। तथा इवेंट कंपनी आज अयोध्या में मंदिर का आने जाने वाले राम भक्तों के अवलोकन के लिए प्रदर्शित भी किया जाएगा। इस मंदिर की लोकप्रियता को देखते हुए शलिन गुप्ता ने आगे इसके निर्माण में व्रत रूप में से तैयारी शुरू कर दी है। उस्मित मरोठिया, खुशी मरोठिया, श्रेया मरोठिया जो शलिन गुप्ता के बच्चे हैं, इन सब की मेहनत और मंदिर का हूबहू प्रतिकृति ही लोग सराहना करते दिखे। ये आपने अपने हाथ से मंदिर बनाया है? जी हाँ, हमने बनाया। पूरा परिवार हमारा कारीगर है, परिवार में बच्चे हैं, उन्होंने सबने मिलकर के बनाया और साथ में हेल्पर भी हमारे। कितने दिन लगे इसको बनाने में? करीब इसको बनाने में हमें 7 दिन लगे। 7 दिन लगे। अच्छा, ये आपने स्वयं बनाया किसी के ऑर्डर पे बनाया है? ये हमें किसी का ऑर्डर मिला था, छोटे बना रहे थे, बड़े का ऑर्डर मिला, बड़ा भी बनाया। ये कहाँ जा रहा मंदिर? ये लखनऊ जा रहा है, लखनऊ से वो लोग अयोध्या ले जाएंगे, हम लखनऊ उनको डिलीवर करेंगे। अच्छा, कितनी लागत लगी इस मंदिर में? इसकी लागत करीब 80,000 रुपये है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।